डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो एक सिंपल एक्सरसाइज थी। सो मैंने उसमें आपको एग्जांपल्स करवाए थे एंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। नाउ एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 10 में हमने जो समांतर श्रेढ़ी वाली यूनिट की थी बिल्कुल उससे मैच कर रही है। नाउ हमने देखा था क्लास 10 में समांतर श्रेढ़ी का एनवा पद, समांतर श्रेढ़ी का कौन सा पद? एनवा पद। एनवा पद फाइंड करने का फॉर्मूला ज्ञात करने का क्या था? ए एन यानी एनवा पद इज इक्वल टू था ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ये था एनवे पद का फॉर्मूला, ठीक है। एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग यानी सम ऑफ एन टर्म्स। इसके टू फॉर्मूलाज थे, दो सूत्र थे, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? एन बाय टू मल्टीप्लाई ए प्लस एल, एल मीन लास्ट टर्म, लास्ट को आप एनवा पद भी कह सकते हो, लास्ट टर्म को आप क्या कह सकते हो? एनवा पद, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास दोनों हो, पहला और अंतिम पद अगर आपके पास दोनों हो तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्लियर। ये कैसे बना इससे वो हमें क्लियर है। देखो 2a को कर दो a प्लस ए, अब a प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ये क्या हो जाएगा? एनवा पद, मीन a प्लस एनवा, एनवा मतलब लास्ट। तो अगर आपको n पदों का योग ज्ञात करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पदों की संख्या n, n तो होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो क्या है? 1 से 2001 तक के विषम, 1 से 2001 तक की जो संख्या है उनमें विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए एक से कहां तक? 2001 तक के कौन से? विषम, ओनली विषम, विषम पूर्णांकों का, किसका? ओनली विषम पूर्णांकों का अनुक्रम क्या होगा ये बताइए, इनका अनुक्रम जो है वो क्या होगा? 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक जो है उनका अनुक्रम जो है वो क्या होगा? वो देखो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा, विषम विषम राइट कर रहे हैं, और लास्ट 2001 भी क्या है? विषम है। ये 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक है। इसमें प्रथम पद ए आपके पास है, प्रथम पद ए आपके पास है कितना? 1। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे, डी, ये कितने का है? सम और विषम संख्याओं का अंतर कितने का होता है? 2, 2 का होता है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दें। अब आपको इनका योगफल ज्ञात करना है, योगफल सम ऑफ एन टर्म्स मीन एन पदों का योगफल। दो ये दो सूत्र है, ये दो फॉर्मूलाज है, इन दोनों में एन आपको चाहिए, एन मतलब पदों की संख्या। तो इस श्रेणी में कितने पद है हमें नहीं पता, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये लास्ट, पता नहीं कितना है ये, टेंथ क्लास में भी देखा था, इसका नंबर नहीं पता, ये लास्ट है। अगर इसका नंबर 500 है तो ये इसमें 500 पद है, इसका नंबर अगर 600 है तो इसमें सारे 600 पद है, मीन इसका जो नंबर है उतने श्रेणी में पद है, इसका नंबर नहीं पता। जिस पद का आपको नंबर ज्ञात करना हो उसे हम मानते हैं हमेशा एनवा पद, माना ए एन, एनवा पद क्या? 2001, 2001 को एनवा पद मान लिया, एन का मान निकालो वो इसका नंबर होगा, इसका जो नंबर होगा उतने इसमें पद है क्योंकि ये लास्ट नंबर पर है। तो ए एन, ए एन का फॉर्मूला ए, एन मीन एनवा पद प्लस एन माइनस वन गुणा डी बराबर 2001, ए कितना है? 1 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू 2001, एन माइनस वन मल्टीप्लाई टू, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, क्या हो गया? 2000, एन माइनस वन इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो गया, कितना हो गया? 1000, एन इज इक्वल टू 1000 प्लस 1 कितना हो गया? 1001, इसका नंबर है 1001, मीन इसमें कुल 1001 पद है। तो 1001 पद है तो आपको इन पदों का योगफल ज्ञात करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला,
एन पदों की संख्या आपके पास है, आपने निकाल ली। ए पहला पद है, अंतर भी है, लास्ट पद भी है, तो हम दूसरे वाला लगा देते हैं। बिकॉज एन पदों का योगफल एन बटा दो गुणा ए पहला पद प्लस लास्ट मीन एनवा पद। एन एन कितने? 1001। सम एस मीन सम 1001, 1001 पदों का योगफल 1001 बटा दो गुणा ए, ए कितना है? 1। प्लस एल कितना है? 2001। 1001 मल्टीप्लाई 2002 बाय 2, 2 से कैंसिल हो रहा है, कितनी बार? 1000 एक बार कैंसिल हो रहा है, तो क्या करें? 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 1001 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है, लेंथी क्वेश्चन है। तो देखिए हमें क्या करना था, 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल। 1 से 2001 में विषम संख्याएं ये आती हैं, इनमें पहला पद सार्वंतर आपके पास है, पदों की संख्या नहीं पता तो लास्ट वाले को मान लिया एनवा पद। एन का मान निकाल लिया, ये इसका नंबर है, इतने इसमें पद है। अब एन पदों का योगफल, इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है। शुरू में आपको लगेगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, यूनिट बहुत अच्छी होती जाएगी। नाउ देखिए, 100 से 1000 के मध्य 5 के गुणज कौन से होते हैं? 100 से 1000 के मध्य 5 के गुणज ये वाले 105, 110, 5 5 के अंतर पर आएंगे, ठीक है? और लास्ट 995, इनका योगफल ज्ञात करना है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पद ए कितना है? 105। सार्वंतर डी कितने का है? 5 5 का अंतर है, पदों की संख्या नहीं पता, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये लास्ट, इसका जो नंबर है इतने पद है। माना इसका नंबर ही तो पता करते हैं हम। माना इसका नंबर जो है वो 995 है, इसका नंबर जो है वो एनवा है, 995 का नंबर है, एन है, एनवा पद 995। एनवे पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी बराबर 995। ए कितना? 105 प्लस एन नंबर संख्या इसकी वही तो नहीं पता, डी कितना? 5, 995 प्लस 105 उधर जाते ही किस में कर दो? माइनस में कर दो, कितना रह जाएगा? 890 गुणा वाला 5 इधर डिवाइड में हो जाएगा, क्या करेंगे इसे? डिवाइड करेंगे, एन इज इक्वल टू माइनस वन इधर जाते ही प्लस में 179। क्लियर, पदों की संख्या कितनी? 179 पद है ये टोटल, ठीक है? इनका योगफल कौन सा फॉर्म यूज करें? वही एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, एन पदों का योगफल, एन कितने? 179 पद है, 179 पदों का योगफल बराबर 179 बटा दो गुणा पहला पद 105 प्लस लास्ट पद कितना? 995। नाउ सॉल्व योरसेल्फ। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? एक समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद ए दे रखा है आपको, कितना? 2। सार्वंतर नहीं पता है। अब एक हेल्प दी हुई है आपको, क्या? प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो प्रथम 5 पदों का योगफल कितना होगा? ठीक है, प्रथम 5 पदों का योगफल निकालते हैं। प्रथम 5 पदों का योग, ठीक है, कितना होगा? देखो 5 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है? ये पहले 5 पदों का योगफल जो है ये कितना होगा? देखो n बाय टू, 5 बटा 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस वन 5 माइनस वन गुणा डी। सार्वंतर वो नहीं है आपके पास, ए फर्स्ट टर्म है, एन पदों की संख्या कितनी? 5, ठीक है, कितना हो गया? 5 बटा 2 गुणा, देखिए 4 प्लस 5d, 5 माइनस वन कितना? 4d, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम? 2 टाइम,
प्लस टेन डी, ये पहले पांच पदों का योगफल है। अब अगले पांच पदों का योगफल, अगले पांच पदों का योगफल, अगले पांच मतलब 6 से 10, मतलब आप कह सकते हो छठा पद प्लस सातवां पद प्लस आठवां पद प्लस नौवां पद प्लस दसवां पद, इनका योगफल। आपको पता है एनवे पद का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ठीक है यही होता है ना, ए प्लस है। अगर पांचवा पद ज्ञात कर रहा हूं ए फाइव, तो क्या होगा ए प्लस फाइव माइनस वन फोर डी। छठा ज्ञात कर रहा हूं ए प्लस सिक्स माइनस वन फाइव डी। सातवां ज्ञात करना हो तो ए प्लस सिक्स डी, ठीक है। बीसवां ज्ञात करना हो तो ए प्लस 19 डी, मीन एन माइनस वन, यहाँ डी के साथ एक कम होता है। तो इसी प्रकार छठा पद ए प्लस फाइव डी, ए कितना है दो, दो प्लस फाइव डी। सातवां ए प्लस 6 डी, ठीक है। आठवां ए प्लस 7 डी। नौवां ए प्लस 8 डी और दसवां ए प्लस 9 डी। क्लियर, निकाल सकते हैं ना इस प्रकार ये कॉन्टिन्यू इन पदों का योगफल। एनवा पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी, ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। तो दो कितनी बार, पांच बार, 10 प्लस कितना हो गया 35 डी। क्लियर। अब कंडीशन है आपके पास एक, क्या प्रथम पांच पदों का योगफल एक चौथाई है अगले पांच पदों के योगफल के, प्रथम पांच पदों का योग, प्रथम पांच पदों का योग योगफल बराबर 1/4 अगले पांच पदों का योगफल, ठीक है। अगले पांच पदों का योगफल ये है, पहले पांच पदों का योगफल कितना है 10 + 10d, 10 + 10d बराबर 1/4 अगले पांच पदों का योगफल जो है वो क्या है 10 + 35d, 10 + 35d। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में कर दो, 40 + 40d इज इक्वल टू 10 + 35d। क्लियर, ये डी इधर, 5d इज इक्वल टू -30, d इज इक्वल टू -6। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, 20 टर्म आपको 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। नाउ 20वां पद, 20वां पद क्या होगा a प्लस 19 d, a कितना 2 प्लस 19 गुणा d कितना है -6, 2 माइनस 114 कितना हो गया 20वां पद -112। ना क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रेणी दे रखी है और आपसे पूछा गया है इसके कितने पदों का योगफल -25 है। फर्स्ट टर्म ए -6, डी क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -11/2 प्लस 6 कितना हो गया 1/2, कितने पदों का योगफल -25 है। माना एन पदों का योगफल -25 है, एन पदों का योगफल क्या होगा n/2, एन वही तो ज्ञात करना है, कितने पद एन, एन का मान ही तो आपको ज्ञात करना है वैल्यू ऑफ एन, एन बाय टू इंटू टू मल्टीप्लाई ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी, डी कितना है 1/2 इज इक्वल टू है -25। क्लियर, नाउ एन बाय टू मल्टीप्लाई -12, ठीक है, प्लस 1/2n -1/2 इज इक्वल टू -25। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करें, -1/2n मीन n बाय टू कह सकते हो आप इसे, ठीक है, n/2 गुणा में
ये कितना हो गया, -25 बटा 2 प्लस एन बटा 2 इज इक्वल टू -25। नाउ 2 कॉमन आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा, एन बाय 4 मल्टीप्लाई में क्या है देखिए, एन -25 इज इक्वल टू -25, एन स्क्वेयर -25 एन इज इक्वल टू -100। ठीक है, -100 इधर आते ही किस में हो जाएगा, प्लस में, एन स्क्वेयर -25 एन प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें, ये तो हो गए 20 एंड 5, एन -25 एन इज इक्वल टू क्या होगा, इनके इक्वल 0 पुट करें तो एन इज इक्वल टू 20 एंड 5, टू वैल्यूज आ गई। मीन एन इज इक्वल टू 20 भी हो सकता है, एन इज इक्वल टू 5, 20 पदों का योगफल भी -25 होगा और 5 पदों का योगफल भी -25 होगा। चेक करके देखें, आपको आंसर यही मिलेगा, 20 पदों का योगफल निकालोगे तो भी -25 और 5 पदों का योगफल निकालोगे तो भी -25।